हाँ, तो इनकम टैक्स रिफंड अपने मालूम है। ओके, व्हेन वी आर पेइंग इनकम टैक्स, एंट्री इज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ओके, वो लिख लो, ड्रॉइंग में ऐड कर दो, जो एंट्री मैंने रह गई वो ड्रॉइंग में ऐड कर दो। एक एंट्री ड्रॉइंग में ऐड कर दो, एक एंट्री। व्हेन इनकम टैक्स इज पेड, एंट्री इज व्हेन इनकम टैक्स इज पेड, एंट्री इज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बराबर, और कैपिटल में एंट्री लिख दो, कैपिटल में लिख दो एंट्री। कैपिटल में एंट्री लिख दो, व्हेन इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड, एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इनकम टैक्स रिफंड आपको चेक से ही मिलेगा, ओके, वो आपका बैंक में जमा हो जाएगा, ओके, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो जब भी आपको रिफंड मिलेगा उसकी एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, जब भी आपको इनकम टैक्स रिफंड मिलेगा एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, बराबर। और जब भी इनकम टैक्स पे करेंगे तो क्या होगा बेटा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। ओके, बराबर। हाँ, इनकम टैक्स पे करेंगे तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बराबर। और वही अपने को रिफंड मिला है तो उसकी एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, बराबर। चलो अभी नेक्स्ट कुछ पूछो, अभी पूछना है वो। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस में हम पेड बाय चेक। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्राइंग टू बैंक, ड्राइंग टू बैंक। ओके, ड्राइंग आपने किया नहीं बेटा, होमवर्क बेटा? ये हमने पेड कर, लेकिन हमको लाइफ इंश्योरेंस के मतलब पैसे नहीं मिलते कोई मर जाए तो नेक्स्ट। हाँ, पर वो तो ऑन मैच्योरिटी। ओके, अभी तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लेकिन उसका कैसे सस्टेनेंस नहीं, वो तो नहीं होगा, सिर्फ नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम एक पे बार करेंगे, का रिफंड होता ना। उसका तो आएगा ही नहीं, पूरे टैक्स बुक में नहीं होगा। ओके, मैच्योरिटी वाला तो आएगा ही नहीं। ओके, आप प्रीमियम पे करें उसका आएगा सिर्फ, बस। बराबर, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, क्या था ये ट्रांजेक्शन, क्या था? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 500 पेड बाय चेक। हाँ, ड्राइंग टू और बैंक अकाउंट। ओके, ड्राइंग टू बैंक आएगा बेटा। देखो, दो बुक है आपके पास, एक तो मेरे पास ओल्ड बुक है। ओके, मेरे पास ओल्ड बुक है, आपके पास न्यू बुक है। ओके, तो 102 पे ही। ओके, यहाँ पे चलो नेक्स्ट बोलो, अभी है और कुछ है? ओके, वेदांत आ गया सब बेटा? वेदांत, ओके, चलो अभी न्यू हेडिंग क्या था अपना कल वाला? वही सर, आप ड्राइंग का पूरा रहेगा हाँ, एंट्रीज ऑफ लोन। ओके, एंट्रीज ऑफ ड्राइंग, इसके बाद वाला कौन सा टेक्स्ट बुक है? देखो इस बार इसके पे टेक्स्ट बुक में कौन सा, इसके बाद वाला हेडिंग। इसके बाद ये फिर इसके बाद आता ट्रांजैक्शन फॉर लोन एंड इंटरेस्ट। हाँ, तो यहाँ हेडिंग दे दो यहाँ पे, ट्रांजेक्शन ऑफ एंट्रीज ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट। आप हेडिंग दे दो, एंट्रीज ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट, एंट्रीज ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट। ओके, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, व्हेन लोन इज टेकन, व्हेन लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक एंट्रीज
एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम डैश अकाउंट. ओके, टू लोन फ्रॉम डैश अकाउंट यानी ऐसे बैंक से लिया तो आपको टू लोन फ्रॉम बैंक लिखना है, आपने किसी फ्रेंड से लिया है तो टू लोन फ्रॉम फ्रेंड लिखना है, आपने किसी फाइनेंस कंपनी से लिया है तो उसका नाम लिखना है. ओके, लोन फ्रॉम डैश डैश कंपनी. ओके, टू लोन फ्रॉम डैश. ओके, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे तो आप बैंक लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया बैंक, इसलिए. ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट, टू लोन फ्रॉम एसबीआई लिखो ना, टू लोन फ्रॉम एसबीआई. ओके, क्योंकि आपको याद रहेगा वो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई, टू लोन फ्रॉम एसबीआई. नरेशन क्या होगा वहां पे, बींग लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई, बींग लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई. पॉइंट नंबर टू, वैन इंटरेस्ट इज पेड अगेंस्ट लोन टेकन. तो एंट्री इज, दो मिनट रुको, वैन इंटरेस्ट इज पेड अगेंस्ट लोन टेकन, एंट्री इज लिखो यहां पे, एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. तो यहाँ पे आप कैश भी दे सकते हो और आप चेक भी दे सकते हो. ओके, बैंक में होगा तो आपको चेक देना पड़ेगा कंपलसरी, और किसी फ्रेंड से लिया था आपको कैश पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट. ओके, नरेशन, बींग interest on loan paid, narration being interest on loan paid. Point number three, when interest and loan amount paid together, interest on loan account debit, loan from bank account debit to cash oblique bank account. Narration, being interest and loan amount paid, being interest and loan amount paid.